हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं यहाँ पर दोपहर का खाना बना रही हूँ। कल की वीडियो में जो मैंने आप लोगों से शेयर किया नाश्ते तक का, तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर उसके बाद मैं यहाँ पर दोपहर में चाय वाय पी कर फिर खाना बना रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल सा मैं खाना बना रही हूँ सिर्फ हस्बैंड के लिए, क्योंकि मुझे इतनी भूख नहीं थी। अप्पे मैंने बनाए थे और चटनी तो काफ़ी सारे मैंने खा लिए थे, बहुत अच्छी बनी थी चटनी ताज़े नारियल और मूंगफली की, तो वही मैंने खा ली है। और कार्तिक ने जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया था, तो वो खाया, थोड़ा सा मैंने भी खाया। मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल नहीं छुए, पता नहीं क्यों वो खाते ही नहीं हैं। तो इस वजह से ना फिर उन्होंने थोड़ा ही बहुत नाश्ता किया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ उनके लिए, और सिंपल सी बस मैंने आज लौकी की सब्ज़ी बनाई है थोड़ी सी, और रोटी बना रही हूँ। और अप्पे थोड़ी से बच गए हैं तो वो रखे हुए हैं, मैं दोपहर में जब मुझे भूख लगेगी मैं खा लूँगी। और यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि मैं खुद बना रही हूँ, तो इसलिए बना रही हूँ। आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रही है, क्योंकि आज ना काम नहीं सुन रहा है, कार्तिक भी नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा, और मेरे हस्बैंड से बनता नहीं रोटी बेलते, इसलिए वो बना नहीं पाते हैं। तो जितनी देर में मेरी सीख जाती है ना, तो वो बेल ही नहीं पाते, इसलिए बाकी तो काम कर देते हैं। लेकिन आज कार्तिक ना मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी मुझे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके मैं बना रही थी, बेल रही थी, उतना ज़ोर नहीं लगा रही थी हाथों में कि ताकत भर के जोर लगा रही हूँ। लेकिन ये है कि चार पांच रोटी ही मैंने बेली, पांच छः तो, और हाथ ना बहुत तेज़ दर्द होने लगा था, तो इस तरीके से मुझे ऊपर ही रखे रहना पड़ता है, तो ऐसे ही रखी थी। तो कभी कभी ना बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है, इतनी ज़्यादा मतलब मेरी तकलीफ़ देख के भी ना ये लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं और बस मुझे तंग करते हैं। जैसे तैसे करके मैंने रोटी इनके लिए बना दी है, क्योंकि देखिए दो दिन से ना चावल ही चावल खाए जा रहे थे। कल भी मैंने इनको चावल ही दिया था बना के, आज भी चावल हो गया, तो मैंने कहा ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहता डेली डेली चावल। तो ये तो यही कह रहे थे कि चावल ही और सब्जी बना दे, तो वो आसान रहता है कि बस उनको चढ़ा दो पकता रहेगा। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं रोटी बना देती हूँ कैसे भी करके तो इनके लिए, मैंने रोटी बना दी। फिर उसी वजह से ना मैंने भी, फिर उन्होंने थाली छोड़ दी थी तो मैंने आधी रोटी फिर मैंने भी खा ली। और फिर उसके बाद यहाँ पर हो गया है ये शाम का टाइम, और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे फिर कार्तिक का आज नहीं इसका रोज़ का यही काम है, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करता है कभी कभी। तो उससे मोबाइल ही नहीं रख रहा है, बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है, बस लगा है उसको देखने खेलने, पता नहीं गेम वगैरह क्या कर रहा है ना, वही खेलता रहता है दिन भर। और पढ़ाई करेगा तो करेगा, बहुत परेशान करने लगा इस साल से, बहुत ही ज़्यादा। पिछले साल इतना नहीं करता था जितना इस साल कर रहा है, तो बस गेम में देखता रहेगा। और ट्यूशन की स्कूल की टाइम हो जाएगी तो चला जाएगा, और फिर आकर बस वही मोबाइल वाला काम। तो फिर यहाँ पर ना मैंने सोचा था ये मेरी हेल्प करा देगा, राशन जो चीज़ें हैं वो मुझे खोल खोल के बस देनी है, बाकी तो फिर मैं रख दूंगी डब्बों में, तो वो भी नहीं कर रहा था। फिर मेरे हस्बैंड आ गए तो वो ही करवाने लगे, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना था। ये जो जितने भी पन्नी में चीज़ें आती हैं ना, खुला ही फुट कर लेती हूँ ना, तो इस तरीके से ही रबर लगा कर देते हैं हमारे इधर जो किराना स्टोर से मैं सामान लेकर आती हूँ, तो रबर बस मैं निकाल देती हूँ। और अभी बारिश के टाइम में मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा, ये जो चीज़ें हैं ना मैं पन्नी में ही रख कर और डब्बे के अंदर रख देती हूँ, इससे क्या है ना कुछ भी कीड़ा इल्ली वगैरह नहीं लगती। खासकर बारिश के मौसम में ही ये चांस रहते हैं इल्ली लगने का, कीड़ा कुछ भी ना, तो इसलिए मैं सीधे पन्नी सहित ही पूरा रख देती हूँ। तो बाकी जो चीज़ें हैं ना वो मैं ये जो मतलब साबुन वगैरह हो गई, शैम्पू साबुन ये है ना, मैं दूसरे वाले पन्नी में भर करके एक जगह रख देती हूँ। ये जो नहाने धोने की जो साबुन वगैरह हैं वो मैं एक जगह स्टोर कर देती हूँ। नो यहाँ पर है ना वो बिना पन्नी खोले ही उसको भी भर रहे थे पोहे को, है ना, तो बन नहीं रहा था वो, तो मैंने कहा रबर खोल के रखेंगे तब जाके वो आ जाएगी आराम से।
और मैं यहाँ पर एक एक डब्बा एक भर मतलब चीज़ उठा उठा कर ला कर दे रही थी कि इन चीज़ों में मतलब इनमें भर देंगे। बर्तन तो धो कर के रख दिए हैं, ये रखे हैं, अभी मुझे इनको जमाना है। और कार्तिक बस बिल्कुल मतलब सुनना ही नहीं है बहुत ज़्यादा, इसीलिए फिर मैं ना गुस्सा आती इसके ऊपर, फिर ऐसा लगता है इसको मारूँ, लेकिन मारने की भी इच्छा नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा तंग करता है कभी कभी। अभी ना शाम हो गई थी, रात का ही टाइम हो गया था और मुझे खाना भी बनाना था। धीरे धीरे आखिर वो है ना, तो धीरे धीरे काम करो ना तो फिर देर हो ही जाती है। और अभी मेरे हाथ की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कोई भी काम करने में, एक एक चीज़ उठाओ रखो यही करो। तो रात का टाइम हो रहा था और मुझे खाना भी बनाना था। और अभी हमने सोचे हैं कि ये थोड़ा सा यहाँ पर सेटिंग जो है वो चेंज कर लेते हैं, तो वो भी करना है, क्योंकि मैं इनसे 2-3 दिनों से ही लगी हूँ, बहुत पीछे पड़ी हूँ कि मुझे यहाँ पर करके करना ही है कुछ भी करके। तो देखिए मैं सामने से आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये है मेरी मंथली ग्रॉसरी। इस महीने थोड़ा ज़्यादा करके ही लेकर आई हूँ कि आराम से 1.5 महीने 2 महीने आराम से चल जाएगा, अंदाज़ा ही है इतना कि चल जाता है, और तो इस वजह से इतना लेकर आ गई हूँ। और मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मुझे वहाँ पर थोड़ा सा सेटिंग जो है ना वो चेंज करनी, तो ज़्यादा कुछ नहीं, पलंग मुझे वहाँ पर रखवाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर पीछे हैं कोई मतलब के नहीं है और कोई सोता भी नहीं है लोग, और सोएंगे भी कैसे, क्योंकि देखिए बारिश होती है ना जब भी, तो इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा पानी आता है, तो कितना भी कोशिश कर लिया हमने लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा है। तो और यहाँ पर रखने के लिए भी ना एक वजह है कि जहाँ पर आम का पेड़ है ना वो जो गया है जड़ से, वहाँ ना बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े कुछ ना कुछ आते ही हैं और बहुत डर लगता है, क्योंकि हम लोग नीचे सोते हैं ना। कार्तिक तो खैर ठीक है, हम उसको पलंग पे सुला देते हैं, लेकिन हमारा भी डर है, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आते हैं, तो हमने सोचा पलंग ही रख लेते हैं। आखिर अब कोई काम तो होना नहीं है अभी, पता नहीं कितने महीने, जब तक मेरा हाथ जो है वो ठीक नहीं हो जाता तब तक। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल बराबर साइज में आ गया था, और यहाँ पर पलंग अलग रख लिए थे। फिर मैं यहाँ चाय बनाने लगी हूँ। तो मेरे एवरीवन गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों से कल थोड़ा सा ही कुछ शूट किया था, फिर उसके बाद ना आज मिल रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि कल वीडियो तो मैं रोज़ ही बना रही हूँ लगातार, क्योंकि अब आप लोगों ने कहा है ना कि तीनों चैनल पर आप वीडियोस डाल रहे हैं, जिन जिन को पता है कि मेरे 2 चैनल और हैं, और वो इसी वजह से हुए थे, नहीं तो मुश्किल हो जाता है काम करना, बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है वीडियोस को शूट करना अपलोड करना बहुत ही ज़्यादा। और अब तो मैं अकेले पड़ जाती हूँ करने में, क्योंकि किसी से ज़्यादा आता नहीं है, मेरे हस्बैंड से भी, तो सिर्फ उनको वीडियो जो है ना वो शूट करना बस आता है। तो बस कल से मैं आप लोगों से आज मिल रही हूँ, और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं थैंक यू बोलूँगी, बहुत बहुत सारा धन्यवाद, बहुत ज़्यादा और बहुत सारा थैंक यू, अब इससे बड़ा और शब्द कुछ होता नहीं है कि मैं आप लोगों को बोलूँ। आप लोगों ने मेरे वीडियोस को मतलब है ना बहुत ज़्यादा मुझे मिस किया, याद किया, कितने कमेंट्स आए आप लोगों के, जब आप लोगों ने पूछा कि आप कहाँ हो क्या हुआ, एक तो हुआ कुछ नहीं था, बस यही है कि मैंने आप लोगों को सारी कंडीशन, मेरे दोनों वीडियो जो अभी फ़िलहाल अपलोड की है रिसेंटली में, मैंने उसमें सब कुछ बताया है कि किस वजह से मैं नहीं आ पा रही थी। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना याद किया, और मैं भी कैसे भूल सकती थी आप सभी लोगों को, इतनी बड़ी मेरी फैमिली, और भूलने वाली बात ही नहीं हो सकती, कभी नहीं भूल सकती मैं आप लोगों को, क्योंकि भाई फैमिली बहुत मुश्किल से बनती है, चाहे वो कोई भी फैमिली हो, देखिए सही बात है ना, तो मैं कभी नहीं भूल सकती, जैसे आप लोग मुझे याद करते हैं ना वैसे ही मैं भी करती थी कि मैं कब अपना मेरा चैनल आ जाए और कब मैं काम करूँ उस पर। तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है काम करने में,
मेरा जो चैनल है ना वापस मिल गया। बस मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी सिर्फ एक ही बात, आप लोग पहले की तरह मुझे इसमें भी बहुत बहुत सारा सपोर्ट और प्यार दीजिएगा मेरे वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और जो मतलब जिनको नहीं पता है ना कि मेरे दो चैनल और हैं, और जिनको अभी तक नहीं पता उनसे बोलूँगी प्लीज़ आ जाइए, मेरा चैनल मतलब वापस आ गया है तो वीडियोज़ आप लोगों को रोज़ डेली अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिले करेंगे। अब तो मैं वो बता रही थी, हाँ मेरे चैनल दो चैनल और हैं जिन मैं बता देती हूँ, बहुत से लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं भी पता है। तो क्या होता है न्यू सब्सक्राइबर लोग भी आते हैं ना तो वो भी पूछते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हर चीज़ आप लोगों को बताने की, न्यू जितने भी आते हैं सबको। और फ़िलहाल मैं बता देती हूँ कि मेरा जो पहला चैनल तो आप लोग देख ही रहे हैं, ये मैं जो बना रही हूँ अभी वीडियो मेरा कशिश व्लॉग रियल लाइफ, और सेकंड चैनल है फैमिली व्लॉग। तो उसको मैंने थोड़ा सा नाम चेंज किया है, ज़्यादा कुछ नहीं, एक ही नाम मैंने अपना कर दिया था, ज्योति फैमिली व्लॉग। और तीसरा चैनल है इंडियन ब्लॉगर कशिश। तो ये दोनों चैनल आप लोग ज़रूर से देखिएगा, इन चैनल के लिंक मैं अपने इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग चेक ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को काफ़ी पसंद आएंगे। क्योंकि मैं कंटिन्यू बनी रही हूँ, जब ये वाला चैनल चला गया था ना तो मैंने उन चैनल पर काम किया है पूरा पूरा। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो कल ना मैंने ये काम किया है इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं कर पाई थी। देखिए ये जो बेड है ना हमने यहाँ रख लिए हैं, पूरी जगह हो गई है, बस थोड़ी सी जगह बची है ये साइड में किनारे से देख रहे होंगे आप, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो देखिए फाइनली यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा लुक जो है ना वो भी अच्छा लग रहा है देखने में, चेंज हो गया है। हम दोनों तो कर लेते लेकिन वही है, आप लोग जानते हैं मेरे अभी हाथ की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो ये अपने मोहल्ले से ही मतलब एक लड़के को ले आए थे बुला करके, मैंने ही कहा था कि लेकर के आओ और अभी रखवाओ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर मैं आप लोग बता रही हूँ यहाँ से आते हैं कीड़े मकोड़े, जहाँ पर कार्तिक का कैरम बोर्ड मैंने रख दिया है। तो अभी ना बहुत ज़्यादा आराम हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, और काफ़ी जगह आने जाने के लिए निकलने के लिए, और इतना मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल स्पेस है ना, जगह कम पड़ गई हो, बहुत अच्छी जगह भी। हम सोच रहे थे कि निकलने में ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए, तो बहुत अच्छे से बन गया है। और जब तक देखते हैं, और फिर आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लग रहा है। ये है कि थोड़ी सी चीज़ें सेटिंग इसलिए भी करनी पड़ती हैं अपनी सहूलियत के लिए, ताकि आरामदायक हो और दिक्कत ना हो, इस वजह से मैंने कर दी है। मौसम देखिए क्या बढ़िया मौसम हो गया है, ठंडा ठंडा ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि ये ना धोखा दे देता है मौसम, कभी परफेक्ट मतलब वो नहीं रहता सही। तो और क्यारी भी दिखा दूँ, देखिए ये तो आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, यहाँ पर ये मोगरा की ये छोटी छोटी कटिंग लगाई थी, तो देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, और फूल भी बहुत सारे आ रहे हैं, गुच्छे गुच्छे फूल भी आ रहे हैं। तो और ये लगा है एक गुलाब, इसमें दो गुलाब खिले हैं, देखिए दो गुलाब खिले हैं, और ये काफ़ी बड़ा गुलाब है, बहुत ज़्यादा नीचे तक। इसको ना ऐसे ही लगा दिए थे, मैं हटाने वाली थी लेकिन फिर नहीं हटाए ना, तो ये अच्छा हुआ कि बहुत बड़ा ऊपर तक देखिए हो गया है, और अच्छे सारी जो है ना ब्रांच सब में फूल आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है यहाँ का एरिया। कुछ महीने में बहुत कुछ बदल गया है, मतलब पीछे भी जो थोड़े बहुत पौधे वैसे थे शायद, पर छोटे छोटे थे उस टाइम पर, और अभी तो आप लोगों को मैंने छत का व्यू नहीं दिखाया, वो भी दिखाऊंगी किसी और वीडियो में। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं, देखिए मेरे दो चैनल और हैं जिनका शायद एक चैनल तो आप जानते ही हो, पर मैं फिर भी बता देती हूँ, न्यू सब्सक्राइबर लोग आते हैं ना तो फिर वो भी पूछते हैं, तो मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि सबको बताते चलूँ। तो मेरा जो फर्स्ट चैनल तो यही है कशिश व्लॉग रियल लाइफ जो आप देख रहे हैं, और इसके बाद एक और है फैमिली व्लॉग,
जिस पहले फैमिली ब्लॉग था लेकिन मैंने उसको ज्योति फैमिली ब्लॉग कर दिया है, तो वो सेकंड चैनल है। और तीसरा चैनल है इंडियन ब्लॉगर कशिश। इन दोनों चैनल को लिंक ना मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, तो आप लोग चेक ज़रूर कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाए हैं, काम किया है। जब ये वाला वो हो गया था ना बंद, तो मैंने बाकी का काम उसी में किया है कैसे भी करके। तो आप लोग देखिएगा और आपको पसंद भी आएंगे तो फिर आप लोग बताइएगा। और गया ट्यूशन और बस उसके आने का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे सच में अब अच्छा लग रहा है बैठने में, मैंने सही किया यानी कि आप लोग बताना। वैसे दोनों है ना बिल्कुल एक से थे, पलंग आ गए हैं, इसको अभी मैं ठीक करूँगी। तो यहाँ पर रात का खाना जो है वो बन चुका है। आज मैंने सिंपल सा दाल चावल बनाया है, रोटी रखी थी, थोड़ी सा ही चावल बनाया था कार्तिक के लिए, क्योंकि दाल और रोटी ही खाना था हम लोगों को। तो देखिए मैं यहाँ पर खाना खा रही हूँ। दाल मैंने बिल्कुल सिंपल सी बनाई है, आज तड़का भी नहीं लगाया था, सिर्फ ऐसे ही मसाले वगैरह डाल करके और बस उसी में है ना वो मतलब उबाल ली थी, उबली हुई दाल है समझ लीजिए, और बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं यहीं पर बैठ गई खाना खाने के लिए, मेरे हस्बैंड खा के और वो घूमने गए हैं और फिर मैं यहाँ पर खा रही हूँ। तो मैंने इसमें गला लिया है रोटी को और दाल, और बस चावल है ना अभी सुबह भी खाए थे ना, इस वजह से इच्छा ही नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा रोटी और दाल खा लेते हैं। कार्तिक को मैंने दाल चावल है वो दे दिया है। बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।